छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले कर्ज माफी के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कर्ज माफी सहित अन्य घोषणाओं पर कहा कि 2018 के चुनाव में भी ऐसा ही कहा था। चुनाव आता है तो कर्ज माफी की याद आती है, इनको डर सता रहा है, ये हताशा का परिचायक है। रविशंकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को जितना मैं जानता हूँ वो ऐसे झूठ और जुमलेबाजों से बचती है। मैं 3-4 दिन रहूंगा, अलग अलग विधानसभा जाऊंगा। छत्तीसगढ़ को लेकर मेरा अनुभव है, यहाँ अच्छी हवा है, भाजपा निश्चित तौर पर जीत रही है। मित्रों का अभिनंदन, छत्तीसगढ़ में आया हूँ, अभी 3-4 दिन यही रहूंगा। अभी जो हमारी विधानसभा है वहाँ जाऊंगा, फिर अपने क्षेत्र में जाऊंगा, हवा अच्छी है, मेरा ऐसा अनुभव बताता है, इस प्रदेश को मैं जानता हूँ, भाजपा निश्चित विजय प्राप्त। सर, कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल लगातार घोषणा कर रहे हैं, 4 घोषणा कर दी, अभी कर्ज माफी की घोषणा कर दी, कह रहे हैं कि राहुल गांधी 28 को आएंगे तो काफी घोषणा भी करेंगे। अच्छा, एक इसी में और है कि उन्होंने किसानों को कर्ज माफ किया है तो उन्होंने बोला कि अब तो भाजपा वालों को भी कर्ज माफ होगा तो वो भी हमको वोट देंगे। 18 में भी ऐसा ही कुछ कहा था ना, जब चुनाव आता है तो जो कर्ज माफी को याद करते हैं वो उनकी हार सता रही है, इसलिए ये हताशा का परिचय है। और छत्तीसगढ़ की जनता को जितना मैं जानता हूँ समझता हूँ वो ऐसे झूठे और जुमलेबाजी से प्रभावित नहीं। हम निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी निर्णायक जीत यही है कि जिस तरह से बघेल साहब की रिएक्शन टिप्पणी है, अब सामान्यतः मुख्यमंत्री से ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता कि जैसे कुत्ते घूमते हैं वैसे ईडी के लोग घूम रहे हैं। आज के अखबारों में छपा है, ये कौन सी भाषा है? मालूम है ईडी से उनको परेशानी होती है तो भ्रष्टाचार मत करिए ना, लूट मत करिए तो परेशानी नहीं होगी, तो लूट भी करेंगे और कार्रवाई नहीं होगी ये तो नहीं होता ना, कार्रवाई तो होगी।